हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये स्मोकी आईज मेकअप लुक। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी स्किन को प्राइम कर लिया है ऑफ कैमरा, और अब यहाँ पर मैं प्राइमर के लिए SQ का प्राइमर लूँगी जो सिलिकॉन बेस है और बहुत अच्छे से आपके पोर्स को फिल कर देता है। यहाँ पर डैबिंग मोशन के साथ अपने प्राइमर को अपने पोर्स पे फिल करना है। यहाँ पर मैं मिलाने का हाई कवरेज फाउंडेशन ले रही हूँ, जिसको थोड़ा सा अपने हैंड पर या किसी भी चीज़ पर वार्म आउट करके अपने स्किन पर लगाना है। ये ज़्यादा नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझको इतने नीड नहीं है। अब अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर कंसीलर के लिए मैं क्राइलॉन का पैनकेक यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोडक्ट लें। अब आप इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे अपनी आईज पर। मुझे अब यहाँ पर मैं लैक्मे का ही पाउडर लेकर अपने बेस सेट कर रही हूँ। पाउडरिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क मेकअप है, तो इसके लिए बहुत अच्छे से ज़रूरी है कि आपका मेकअप सेट हो। अब यहाँ पर मैं एक ब्राउन लाइट ब्राउन शेड लेके अपने क्रीज लाइन पर लगाऊंगी, उसको हाईलाइट करूंगी अच्छे से। ये आउटर वी शेप में लेकर उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, बाहर से लेके अंदर की तरफ उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। अब यहाँ पर मैंने अपने काजल को पहले लाइन करा और फिर उसको स्मच कर रही हूँ। ये दूसरी आईज पे आप देख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको एक लाइन करना है काजल से, ज़रूरी नहीं है बहुत ही अच्छे से हो, कैसा भी हो, फिर उसको बस आपको स्मच करना है। अब मैं आपको दूसरी आईज पे करके भी दिखाऊंगी। देखिए आप कितने अलग तरीके से उस आईज पर लगा हुआ है, पर मैं उसको ठीक करके दिखाऊंगी अभी। ये देखिए कितना स्मूथ चल रहा है ब्रश, और धीरे धीरे इसको ब्लेंड करना है, धीरे धीरे स्मच करना है। बस एक शेड चाहिए हमें काजल का। ये देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक ब्लैक आई शेडो लेकर, और आपको ब्लैक आई शेडो जब भी लेना है, कोई भी डार्क आई शेडो लेना है, तो बहुत ही थोड़ा अमाउंट लेना है ब्लैक कलर से। बहुत धीरे धीरे बहुत हल्के हाथ से खेलते हैं इसमें, एकदम से ज़्यादा नहीं लेना, ताकि अगर आप एकदम से ले लेंगे तो आपकी सारा आई मेकअप ख़राब हो जाएगा। ये देखिए मैं हल्का हल्का ले रही हूँ और एक शेडो क्रिएट कर रही हूँ अपने आईलिट तक। अब उसको लगाना है जहाँ तक हमने ब्लेंड करा था ब्राउन कलर से, वहीं तक बस अपना आई शेडो लगाना है हमें। हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से, धीरे धीरे चेक कर करके लगाना है। अब मैंने वही ब्लेंडिंग ब्रश लेके अब दोनों कलर को ब्लेंड कर रही हूँ, आईलेट पे भी और नीचे लोअर लिड पे भी लगा रही हूँ वही ब्राउन शेड। और ये थोड़ा सा वी क्रिएट कर रही हूँ अपनी आई के साथ, क्योंकि शेप अच्छी आएगी इससे। अब फिर से मैंने एक ब्लैक कलर लिया, थोड़ा सा लिया है वो, और उसको अच्छे से मैं फिर से ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने एक लाइट कलर का शेड लेके अपने कॉर्नर पर और आईब्रोज के नीचे हाईलाइट कर रही हूँ ये एरिया में।
यहाँ पर मैंने मार्स का लिक्विड आई शेडो है वो, या फिर लिक्विड शिमर है, उसको अपने आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ बीच में, पूरे आई पे नहीं कर रही हूँ, पूरी आई पर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बीच में मिड पर उसको सेट कर रही हूँ। ये अच्छे से सेट कर लिया। अब यहाँ पर मैं मेबलिन के काजल लगा रही हूँ अपनी आँखों में। अब यहाँ अच्छे से काजल अप्लाई करना है अपना। अब उसको काजल को थोड़ा स्मच कर देना है ताकि वो फैले नहीं। ये देखिए हमने कंसीलर लगाया था तो ब्लैक कलर अच्छे से दिख रहा है। और हाँ, यहाँ पर मैंने अपने आईब्रो फिल नहीं करी थी और मैं नहीं करती। अगर मैं डार्क, खासकर ब्लैक अगर आँखों पर लगाती हूँ तो आईब्रोज फिल नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। अब अपनी नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ, फेस रीशेप कर रही हूँ। यहाँ ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। कंटूर अगर आप कर रहे हैं तो उसकी ब्लेंडिंग सबसे ज़रूरी है। उसे जितना ब्लेंड करेंगे उतना आपका फेस नेचुरल लगेगा, क्योंकि अगर हम ब्लेंड नहीं करते हैं तो वो बहुत अजीब लगता है, और अगर हम कंटूर नहीं करते हैं तो वो उससे भी अजीब लगता है, क्योंकि फाउंडेशन के बाद हमारा जो फेस का कट होता है वो सब छुप जाता है। तो ब्लेंड कंटूरिंग बहुत ज़रूरी है, और उसको करने के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं अपने ब्राउन शेड लेके अपनी कंटूरिंग को सेट कर रही हूँ, ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। मैंने अपने पैलेट में से एक ब्लश, एक पिंक शेड लेके अपना ब्लेंड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से अपने कंटूर के साथ मिक्स कर लेना है ताकि वो अलग सा ना दिखे। इसको अच्छे से नोज़ पर, चीक्स पर अच्छे से लगा ले। अब यहाँ पर मैंने लिप लाइनर लिया है स्विस ब्यूटी का। नेक्स्ट उसको मैं लिप लाइन करके उसी लिपस्टिक को अपने लिप पर फिल कर लूँगी अंदर, क्योंकि मुझे शेड बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, सिर्फ इसी से ही अपनी लिपस्टिक अप्लाई करी है। नेक्स्ट यहाँ मैं अपना हाइलाइटर लगा रही हूँ। अगर आपको थोड़ा ग्लो चाहिए तो फिर हाइलाइटर लगा लीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं इसे। एंड यस, दिस इज़ माय फाइनल लुक, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगे। एंड अगर ये आपको मेकअप लुक अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।